और बिहार में जबलपुर पुलिस ने AK-47 राइफल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी अब तक 70 AK-47 राइफल अलग अलग लोगों को गैर कानूनी तरीके से बेच चुके थे। हथियार बेचने वाले मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम लाल भारतीय सेना में रह चुका है और वो AK-47 के पुराने पार्ट्स COD से चुराकर नया राइफल बनाता था और फिर उसे अपने ग्राहकों को बेच देता था। आरोपी पुरुषोत्तम के इस काम में उनकी पत्नी और बेटे ने भी साथ दिया। पुलिस ने इन सभी 3 आरोपियों से 5 लाख रुपए और राइफल के कई पार्ट्स भी बरामद किए हैं। जबलपुर पुलिस ने हथियार का कारोबार करने वाले पुरुषोत्तम से कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। पुलिस को इन आरोपियों के पास से ऐसे तीन AK-47 राइफल भी मिले हैं जो ये ग्राहकों को बेचने वाले थे, लेकिन सौदा होने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा है। वास्तव में ये एक व्यक्ति के लालच की कहानी है और इस लालच के कारण उसने जो देश की सुरक्षा के लिए यूज होने वाला AK-47 है ऐसे लोगों को दे आया जो निश्चित तौर पे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती है। ये कहानी है पुरुषोत्तम रचक शीलेंद्र और सुरेश ठाकुर की। सीनियर स्टोर मैनेजर के पोस्ट पे थे ये आर्मोरर पे थे पुरुषोत्तम रचक। ये कारीगर है, ये अगर आपको साधारण भाषा में बोले ये हथियार के मिस्त्री हैं। ये आर्मोरर का पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे है जिसमें ये इनको पूरी प्रशिक्षण मिलता है कि हथियार को कैसे खोला जाए।